गढ़वा सदर प्रखंड के हूर माध्या की बेटी नम्रता चौबे ने यूपीएससी परीक्षा में 73वां स्थान प्राप्त कर गढ़वा जिले का नाम किया रोशन। नम्रता ने यूपीएससी परीक्षा दूसरी प्रयास में सफल रही। नम्रता ने यूपीएससी परीक्षा में सफल होकर गढ़वा जिले का नाम रोशन किया है। नम्रता ने प्रारंभिक शिक्षा जिला मुख्यालय स्थित शांति निवास स्कूल से की है, जबकि इंटर की शिक्षा आरके पब्लिक स्कूल से आईएससी में जिला टॉपर रही। इसके बाद वे कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। कैंपस सिलेक्शन के बाद वह 4 माह नौकरी की तथा वह नौकरी से त्याग पत्र देकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की तथा वह दूसरे प्रयास में ही 73वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन की है। नम्रता के पिताजी विपिन बिहारी चौबे सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय परिहार में शिक्षक हैं। नम्रता के पिताजी ने इसका श्रेय गुरुजनों एवं अभिभावकों को दिया है। इसी विद्यालय से पढ़कर आपकी बच्ची आईएएस हुई है, उसके बारे में बताइए। ऐसा है, नम्रता के बारे में बोलने से शब्दों में समा नहीं जा सकेंगे। जब बच्ची थी एलकेजी यूकेजी से क्लास 1 में आई, तब से लेकर के मैं उसको अच्छे से जान रही हूँ। पढ़ाई में इतनी लगन थी और जैसे नाम है नम्र थी, कोमल थी। पढ़ाई के लिए आपको कभी उसको कोई प्रकार के फोर्स करना नहीं पड़ा। जो भी काम दिए देते दिल से करती थी। और मैं अभी भी याद करती हूँ, क्लास शोरकुल हो जाते हैं तो हम जाकर के बोलते हैं, तुम लोग इतनी आवाज किए, तुम लोग कल इतना एक कविता लिख करके लाओगे, नहीं तो अपनी माँ के बारे में लिख के लाओगे, नहीं तो पेड़ के बारे में लिख के लाओगे। कुछ बच्चे तो करते थे लेकिन नम्रता उसमें सबसे प्रथम थी। वो लिख इस सुंदर अवसर पर नम्रता चौबे को बधाई देते हुए मैं दूरदर्शन के सभी भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ। आज ऐसा एक मौका है, गढ़वा में हम नम्रता चौबे जैसे विद्यार्थियों को पूरे मान सम्मान के साथ पूरे देश के लिए बधाई देने के लिए उनके सामने आए हैं। नम्रता जैसे उनके नाम से नम्र है, उसी प्रकार अपनी पढ़ाई में वे कठोर मेहनत करती थी और उसका फल है यूपीएससी जैसे एग्जाम को आज क्रैक करके हमारे जिला को गर्वान्वित किए हैं, पूरे भारत वर्ष को वो गर्वान्वित किए हैं। और विशेष करके मैं कहूँगी अपने माता पिता गुरुजनों को यही आशा होती है कि बच्चे आगे बढ़े, मंजिल तक पहुँचे। और आज नम्रता ने वो ही करके दिखाया कि एक बेटी होकर क्यों कर सकते हैं। और उनका लगन से आज हम सब खुश है, विद्यालय परिवार, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और पूरे गढ़वावासी मिल करके उन्हें बधाई देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ नम्रता के इस नमूनादायक जीवन से और लोग भी प्रेरित होकर के और बच्चे हमारे बारे में बताइए। जो अभी आईएएस हुई है उसके विषय में बताना ये है कि परिवार का सहयोग, शिक्षकों का मार्गदर्शन और उसका मेहनत और लगन। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? उसका प्रारंभिक शिक्षा शांति निवास से, उसके बाद आईएससीक्यू आरके पब्लिक से, उसके बाद फिर कानपुर से आईआईटी की, वहीं से उसका कैंपस सिलेक्शन हो गया और फिर वहाँ पढ़ाई समाप्त करने के बाद जॉब में बम्बई चली गई। 1 साल वहाँ लगभग रही, इसके बाद वहाँ से रिजाइन करके आईएएस की तैयारी की ना, आईएएस की तैयारी की। के 4 बहन होती है, सबसे बड़ी इस जो अभी आईएएस बनी है, सेकेंड बीआईटी मिश्रा से की है, जो बेंगलोर में अभी नोकिया कंपनी में जॉब कर रही है। वर्षा चौबे, उसी के नाम पे मेरा फॉर्म भी चलता है, वर्षा ट्रेडर्स। और 3 नंबर जो है वह पूर्णिमा चौबे है, जो नील रतन कलकत्ता में मेडिकल कर रही है एमबीबीएस। 3rd जो है, और 4th जो है वो ज्योति चौबे, अभी वो कोटा में अपना वो मेडिकल का तैयारी कर रही है एलएम से।
और एक इसका भाई है जो अभी बी फार्मा कर रहा है रांची से। भाई बी फार्मा कर रहा है, बहन आईएएस और मेडिकल कर रही है। हाँ जी जी। भाई में रुचि क्यों नहीं हुआ? बच्चा कुछ अपना एक लाड प्यार के कारण घर में बच्चे लोगों पे जैसे नहीं ज्यादा हो जाता है, तो एवरेज में रह गया, एक्स्ट्रा उसमें ऑर्डिनरी नहीं आ सका। आपकी बच्ची गढ़वा की नाम रोशन की, आज तक कोई भी बच्ची आईएएस नहीं बनी थी, आप अपने बच्ची के बारे में कुछ बताएं और आपको क्या अनुभव महसूस हो रहा है? बच्ची शुरू से विलक्षण थी, उसमें सभी गुण था, और अपना मेहनत तो की है, बाकी हम लोग जो सहयोग अपना कर रहे हैं, मेहनत तो वही की है। बच्ची आईआईटी निकाली थी, आईआईटी के बाद जब क्यों आईएएस बनने की और झुकाव गया? उसका झुकाव प्रोत्साहन हम लोग इसलिए दिए कि इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो उसका हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, प्राइवेट किस टाइप के काम कराएंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा समय लेंगे। अगर हम चाहेंगे कि तुम आईएएस बनो और हम लोग के लिए पहचान हो, थोड़ा अच्छी हो, तो उस पर उस कहेंगे ठीक है, तो हम एग्री हो गए। चार मास शायद काम की थी, चार मास पर उसके बाद मेरी तैयारी हुई चली गई। आप भी टीचर हैं और टीचर होने के नाते आपका समाज में जो दायित्व बनता है उसका आपने निर्वहन किया।